यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, जरा यहां तस्वीर डालिए वॉल पर। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का हाल आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में क्या तस्वीर है जरा इसको देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी को यह कहा जा रहा था कि भाई नुकसान हो जाएगा, बहुत सारी बातें चली, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी 28 से 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सकती है, यानी क्लीन स्वीप है मध्य प्रदेश। कांग्रेस को शून्य से एक सीटें और अन्य का कोई वहां नामो निशान नहीं है, यानी मध्य प्रदेश में जैसे विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया था विपक्ष का, हमारा सर्वे कह रहा है एनडीए को 60% से ज्यादा वोट आ सकता है मध्य प्रदेश में, और इंडी अलायंस को 33%, यानी कोई नहीं है मध्य प्रदेश में। वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को मैसिव जीत मिल रही है, 29 में से 28 से 29 सीटें, यानी सारी सीटें भी आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह तस्वीर दिख रही है, यह देखिए हमारा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सकती है, और यह अपने आप में बड़ी खबर है। हमारे साथ ईटीजी के रिसर्च हेड पीयूष मौजूद है। पीयूष भाई, ये एक सीट जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस को मिल जाए, ये एक सीट कौन सी हो सकती है, क्या है? पहले तो सुशांत जी मैं ये कहूं कि वहां से दिग्विजय सिंह जी भी लड़ रहे हैं और वो हार रहे हैं, और दूसरा जो सीट है वो नकुलनाथ जी के, कमलनाथ जी के जो पुत्र है उनकी सीट है, वो हमें हारते हुए नजर आए पर मार्जिन ऑफ एरर में था, तो इसीलिए हमने 0-1 लिया है, पर वो मैं अगर कहूं और डेटा के हिसाब से वो हार रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि नकुलनाथ की सीट पर वहां पर टाइट फाइट है, वो लेकिन नकुलनाथ पीछे दिख रहे हैं, फिर भी आपने कहा कि चलो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो इसलिए आपने कहा कि नकुलनाथ की सीट शायद कांग्रेस को जाए, लेकिन लग आपको यह रहा कि कांग्रेस वो भी हार रही है। वहां पे हमें बीजेपी का क्लीन स्वीप मिला है, क्लीन स्वीप मिला है, लेकिन माहौल तो बड़ा बनाया गया कि वहां पर ऐसी लड़ाई है वैसी लड़ाई है, वहां आपको कुछ नहीं दिखा, क्या चला वहां पर? सुशांत जी, पहली बात है कि हम वहां पे माहौल नहीं पकड़ते, हम बस लोगों का जो ओपिनियन होता है वो लेते हैं, जो जिनको उन्होंने वोट कास्ट किया है हम उनके पास जाते हैं, और भाई आपने किसको वोट किया है, आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है, उसी पे माहौल नहीं पकड़ते हैं। तो इसमें मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में मुद्दा आपको क्या लगा जिसकी वजह से बीजेपी को इतना वोट पड़ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो वो था कि वो मोदी फैक्टर है, जो सबसे बड़ा है मोदी फैक्टर जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा है, और अभी जो हाल फिलहाल जो अपना इलेक्शन हुआ उसमें वेलफेयर स्कीम्स जो थी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, यानी लाभार्थी वाला जो वोट बैंक है वो अभी भी नरेंद्र मोदी का इंटैक्ट है, महिलाओं का ये देखिए ये बड़ा फैक्टर है कि महिलाओं का जो वोट है नरेंद्र मोदी का वो अभी भी इंटैक्ट है। और आप देखिए, जब हम 178 सीटों के रुझान बता चुके हैं, एनडीए ऑलरेडी 91 पर पहुंच गया है, यानी यहां से जो बीजेपी की सीटें हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन जगहों पर क्या हुआ है जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बीजेपी 300 पार और क्या एनडीए 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा है, लेकिन 60% का वोट शेयर, ये मैसिव है। अब जरा उत्तराखंड का हाल बताइए कि उत्तराखंड में क्या तस्वीर रही है। उत्तराखंड में